सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम करता हूँ मेरे गेमिंग चैनल पर। आई होप गुड एंड गुड द फ्यूचर। सो गाइस, प्रीव्यू में तो आपने देखा ही होगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा ऑसम था। तो यार, आपको आज ऐसा वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। तो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर से कर लेना। सो गाइस, हमारा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो यार आप लोग सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट। यार नए बंदे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो यार, सुनते हैं वीडियो। सो गाइज, जो भी मटेरियल यूज़ किया है आपको XML डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर देना। और इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, तो यार जरूर से डाउनलोड कर दो जाके। सो गाइज, आपको XML फर्स्ट ओपन कर देना। उसमें आपको कुछ इस प्रकार की 17 सेकंड की लेयर मिलेगी। तो आपको आपको मैंने इस लेयर पे सभी पे नाम दे रखा है एडिट करने के लिए। तो आपको सबसे नीचे ही नीचे आना है, एडिट ग्रुप वाले में आना है। और एडिट ग्रुप वाले में आपको तीन लेयर देखने को मिलेगी। तो आपको इधर बैकग्राउंड वाला वीडियो डाल देना, तो फर्स्ट वाले में डाल दिया। आपको सेकंड वाले में भी बैकग्राउंड वीडियो ऐड कर देना है, और थर्ड वाले में भी ऐड कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है गाइज। तो गाइज, इसके बाद में आपको एडिट ग्रुप के ऊपर चार लेयर देखने को मिलेगी, ए बी सी डी। और उसमें आपको पहले में ए पे क्लिक करना है, और कैरेक्टर PNG डाल देना है। सो गाइज, इसमें आप अपने खुद के स्क्वाड के कैरेक्टर की PNG भी डाल सकते हो, और मैंने जो यूज़ किए वो भी आपको पैक पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इधर चारों लेयर में आपको कैरेक्टर PNG ऐड कर देना है। सो गाइज, इसके बाद में आपको फिर से आना है ऊपर ऊपर, और नॉल के नीचे ए बी सी डी आपको फिर से लेयर देखने को मिलेगी। उसमें आपको फ्री फायर की जो छोटे वाले प्रोफाइल होता है उसको क्रॉप करके रखना, उधर आपको डाल देना। सो गाइज, इसके बाद में आपको फर्स्ट वाले ए वाली लेयर में आपको खुद का प्रोफाइल डाल देना है, और उसके बाद में आपका फ्रेंड का या स्क्वाड का, जो भी बंदा आपके साथ खेलता ना, जो भी आप डालना चाहते हैं उसका डाल देना, जैसे मैंने अपना फ्रेंड का डाला था। सो गाइज, इतना करने के बाद में आपका ये वाला 3D मूवमेंट वीडियो बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है दिखने में। इसको आपको एलाइट मोशन से इम्पोर्ट कर देना है। सो इतना करने के बाद में आपको XML सेकंड मिल जाएगी, जो उसमें लिखा होगा नीचे नीचे वीडियो हेयर। तो आपको इधर जो अभी जो एक्सपोर्ट किया ना एलर्ट मोशन से, वो वाला वीडियो इंपोर्ट कर देना है। और इतना कर सो गाइस, इतना करने के बाद में आपको म्यूज़िक ऐड कर देना है। म्यूज़िक ऐड आपको डिस्क्रिप्शन में म्यूज़िक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड करके रखना है, ऐड कर देना है म्यूज़िक। और इधर इतना करने के बाद में आपका वीडियो पूरा इधर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको इधर से एक्सपोर्ट कर देना है। सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।